सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैगी नूडल से एक टेस्टी स्नैक बनाना सिखा रही हूँ। आज हम मैगी नूडल्स यूज करके एक बहुत ही टेस्टी कटलेट बनाएंगे जो आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगा और आप इसे इवनिंग स्नैक में इजीली बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए उसकी रेसिपी चेक करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए, ये मैंने आधा कप सूजी ले ली है। आप बारीक मोटी कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं एंड अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक चौथाई कप शिमला मिर्च ले ली है, आप कह लीजिए 5 टेबलस्पून। मैंने बहुत ही छोटी छोटी शिमला मिर्च ले ली है, बारीक काट ली है। एक मीडियम साइज प्याज को बारीक काट लिया है। गाजर को मैंने काट लिया है, आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, ये 6 टेबलस्पून है। 1 टीस्पून गरम मसाला, 20 से 25 कच्ची मूंगफली के दाने, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये अपने स्वाद अनुसार यूज करें। नमक स्वाद अनुसार, 2 कटी हरी मिर्च, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, और थोड़ी सी कटी हरी धनिया पत्ती। साथ में हमने ले लिया है 2 नूडल्स के पैकेट, आप चाहे तो ये यिप्पी नूडल से भी इस स्नैक को बना सकते हैं। और हमने ले लिया है 1 गिलास पानी। तो चलिए कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इन नूडल्स को पकाएंगे। ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, आप इसके अंदर सबसे पहले मैगी डालने से पहले मूंगफलियों को थोड़ा सा भून लीजिए क्योंकि हमने कच्ची मूंगफलियां यूज की है। इनको बस हमें 1 मिनट इसी तरह सेकना है बिना तेल या घी के। ये देखिए ये भून चुकी है बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हैं इस पे छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आने लगे हैं, ब्राउनिश स्पॉट्स आ गए हैं, मीन्स हमारी मूंगफलियां भून चुकी हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लिए हैं, आप इन्हें ठंडा कर लीजिए। तो चलिए जब तक ये ठंडी होंगी हम अपने मैगी पका लेते हैं। पैन हमारा गर्म ही है, इसके अंदर बस पानी ऐड कर दीजिए, 2 गिलास पानी। ये हमारा दूसरा गिलास पानी चला गया है, इसको आप बॉइल कर लीजिए। आप मैगी बनाते हुए हमेशा ध्यान रखिए इसका पानी और मैगी दोनों को हमेशा कवर करके बॉईल करें, बहुत जल्दी मैगी हमारी पक कर आती है और मिनटों में ही तैयार हो जाती है, जो आपको ज्यादा टाइम लगता है वो नहीं लगेगा। 1 मिनट हो चुका है, हमारा पानी अब तक बॉईल हो चुका होगा, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसकी फ्लेम आप एकदम लो कर दीजिए और अब इसके अंदर मैगी नूडल्स डाल लीजिए। देखिए मैंने नूडल्स इसमें से टेस्ट मेकर निकाल लिया है, ये दोनों पैकेट आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और मैं इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बॉईल आने लग गए। इस टाइम पर आप इसकी फ्लेम एकदम लो कर दीजिए दोबारा और इसके अंदर टेस्ट मेकर डाल दीजिए, इससे हमारी मैगी बहुत ही जल्दी बनकर आती है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर आती है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ये इसी तरह मिक्स करते करते हाफ से ज्यादा पक चुकी है। इस तरह से हमारी मैगी बिल्कुल 3 मिनट में तैयार हो जाती है और बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए इस तरह से मसाला अच्छे से मिक्स, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसे पकाने में। अब इसे ये जो एक्स्ट्रा पानी है आप कवर करके पका लीजिए, कवर कर दीजिए इसे और इसकी फ्लेम मीडियम कर लीजिए और मिनट में मतलब 30 सेकंड में बिल्कुल ये पककर तैयार हो जाएगी हमारी नूडल्स। ये देखिए आधा मिनट हो चुका है, अब हम चेक करेंगे, मैंने पूरा आधा मिनट गिना है। ये देखिए हमारे नूडल्स पक चुके हैं, ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये बस हम मिक्स करेंगे, सोक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे सारे नूडल्स बिल्कुल ही मिनटों में तैयार हो गए हैं, 5 मिनट से भी कम में हमने नूडल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मैंने नूडल्स को गैस से उतार लिया है और आप देख सकते हैं इसको 2-3 मिनट मिक्स करके थोड़ी बहुत ठंडी हो चुकी है पर पूरी तरह भी ठंडी नहीं हुई है। जब तक ये हमारी ठंडी हो रही है हम पीनट्स को क्रश कर लेंगे।
ये देखिए, जो हमने पीनट्स को रोस्ट करके रखा था, मतलब मूंगफली को भून के रखा था, आप इन्हें क्रश कर लीजिए। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, या फिर चकला बेलन यूज करके उस पर भी क्रश कर लीजिए, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप क्रश कर सकते हैं। मैं ये देखिए इसको हाथ से ही बहुत इजीली क्रश कर सकती हूँ, क्योंकि हमने इसे भून लिया है। इस तरह से आप भी तोड़ सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एंड अगर आप किसी चीज यूज करेंगे तो बहुत जल्दी क्रश हो जाती है। ये देखिए इस तरह से इजीली टूट जाएंगी। हमें एकदम चूरा नहीं बनाना है, इस तरह से ही दो चार टुकड़ों में इनको करना है। ये देखिए इस तरह से पीसेस होने चाहिए इसके। आप इसको सारी क्रश करके रख लीजिए। ये देखिए मैंने सारी मूंगफलियों को क्रश कर लिए हैं। अब हमारी मूंगफलियां भी तैयार है और मैगी भी, तो चलिए कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल ले लीजिए, थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि हमें इसके अंदर नूडल्स भी डालने हैं और सारी सब्जियां भी। अब इसके अंदर सारे नूडल्स ऐड कर लीजिए आप। ये देखिए थोड़े स्टिकी हो जाते हैं ठंडे, भाई हमने सारे नूडल्स निकाल लिए हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले सब्जियां ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने प्याज ले लिए थे, इनको हम ऐड कर देंगे, साथ में गाजर। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कीजिए। साथ में हम सूजी भी मिला देंगे, ये मैंने आधा कप सूजी ली थी, मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ में डाल लीजिए हरी मिर्ची, अगर आप पसंद नहीं करते तो इसे अवॉइड करें। साथ में धनिया पत्ती, और साथ में ये क्रश मूंगफलियां जो हमने क्रश करके अभी रखी थी। इसे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। साथ में गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्पून की सहायता से मिक्स कर लीजिए, आप हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं होकर। ये देखिए 2 मिनट हो चुका है मिक्स करते हुए, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है सब कुछ। और अब हम इसको हाथ की सहायता से एक बार और अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल चुके हों। आप हाथ को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और इसको मिलाना स्टार्ट करिए। ये देखिए इस तरह से जैसे डो लगाते हैं हम, उस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब सारे इंग्रेडिएंट्स, कहीं भी कोई भी इंग्रेडिएंट बाकी नहीं रहा है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है, जिसके अंदर मैं कटलेट्स बनाकर रखूंगी। अब हम सबसे पहले हाथ पर पानी लगाएंगे, आप इसके अंदर तेल नहीं पानी का इस्तेमाल कीजिए। हाथ को इस तरह से पानी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, और अब चम्मच की सहायता से एक स्पून आप ये नूडल्स का पेस्ट लीजिए या मिक्सचर लीजिए। ये देखिए पहले इसको इस तरह से बॉल में फॉर्म कर लीजिए। ये देखिए कितनी इजीली फॉर्म हो गया है, और इसको बहुत ही लाइट हाथों से प्रेस कीजिए। अब हम कोनों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से इसे शेप दे देंगे, आप कोई भी शेप का बना सकते हैं। ये देखिए कितनी इजीली बनकर आ चुका है। इसी तरह आप सारे बनाकर रखना स्टार्ट कर लीजिए। आप एक बार पानी लगाएंगे तो आपके 3-4 कटलेट्स इजीली बनकर आ जाएंगे। ये देखिए मैंने कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं आपको ये सिर्फ 6 ही दिखाऊंगी, और बचा हुआ मिक्सचर हम जब कटलेट्स खाने होंगे जब बनाकर यूज करेंगे। इन कटलेट्स को सेकूंगी। ये देखिए मैंने गैस पर तवा रख दिया है, ये गर्म हो चुका है, इसकी फ्लेम आप लो कर दीजिए और इसके ऊपर ऑयल डाल दीजिए। एंड अगर आप नॉनस्टिक तवा यूज कर रहे हैं तो थोड़ी ऑयल की मात्रा कम रखें, क्योंकि नॉनस्टिक तवे में ऑयल की मात्रा कम लगती है। ये मैंने पूरा 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए और इसके अंदर कटलेट्स डालना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इसके ऊपर कटलेट्स प्लेस करना स्टार्ट कर लीजिए। इस तरह से थोड़ा स्पेस पर आप प्लेस कर लीजिए, और एक और 4 कटलेट्स एक बार में प्लेस करेंगे, और इसकी फ्लेम आप लो मीडियम कर दीजिए, ताकि ये कटलेट्स अच्छे से अंदर से भी पककर आए। अब हम इन्हें 1 मिनट इसी तरह पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, चेक कीजिए आप। देखिए बहुत ही धीरे से इसे इस तरह से निकाल लीजिए और पलट लेंगे। देखिए क्रिस्प कलर आना स्टार्ट हो गया है, इसी तरह आप सारे पलट लीजिए। बहुत
सावधानी से। ये देखिए मैंने सारी पलट ली है, अब इनके बीच में आप दोबारा स्पेस कर दीजिए इस तरह से, थोड़ा सा स्पेस इनके बीच में अच्छे से रख लीजिए और इन्हें दूसरी तरफ भी एक मिनट पकने दीजिए। एक मिनट हो चुका है, अब हम दूसरी साइड भी चेक करेंगे। देखिए दूसरी साइड भी क्रिस्प कलर आ गया है, अब सारे हम इसी तरह चेंज कर लेंगे। देखिए इस तरह से क्रिस्प कलर आना चाहिए दोनों तरफ हमारा। अब हम दोनों तरफ थोड़ा सा प्रेस करके इसे क्रिस्प होने तक पका लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं मुझे लगातार सेकते हुए, और अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इनका कलर क्रिस्प आ चुका है। देखिए मैं आपको सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं सबका क्रिस्प कलर आ चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले आप इसकी फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए ताकि बचा हुआ तेल भी एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए कितने क्रिस्प टिक्किया बनकर आई हैं और कितने क्रिस्प कटलेट्स मतलब तैयार हो चुके हैं हमारे। तो चलिए अब इनको गर्मा गर्म सर्व करते हैं, पर सर्व करने से पहले मैं बचे हुए 2 कटलेट्स पे सेक लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे कटलेट्स को सेक लिया है और ये बिल्कुल तैयार है हमारे खाने के लिए। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्प बनकर आए हैं और बहुत ही टेस्टी भी अंदर से, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से फोकस करके आपको दिखा रही हूँ ये कितने टेस्टी और क्रंची बनकर आए हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेकर तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।